यूपी की सड़कों पर सियासत, मोदी के मंत्री की मायावती ने लगा दी क्लास, नितिन गडकरी के बयान पर भड़की मायावती। यूपी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में राज्य की सड़कें बदहाल हो गई हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी की सड़कों को अमेरिका जैसा बनाने की बात कही थी। उनके इस बयान पर बसपा सुप्रीमो ने तंज कसा है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में किसने क्या कुछ कहा है, यूपी की सड़कों के बारे में क्या बोले नितिन गडकरी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री ने यूपी की सड़कों के बारे में क्या कुछ कहा था। My passion, and I always remembering the word of American President John Kennedy, that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road. And already I promise Yogi ji that before end of 24, we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. It is only with your cooperation. We need to have more cooperation, coordination and communication between the stakeholders. We need transparent system, fast track decision making process, corruption free system, quality, 101% commitment with the quality. We need to reduce the cost of construction and improve the quality of construction. नितिन गडकरी के इस बयान को बसपा सुप्रीमो मायावती ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा यूपी में एक्सप्रेसवे के लगातार कई जगह धंसने और दरकने की खबरें आ रही हैं। लखनऊ और उन्नाव के बीच 50 किलोमीटर सड़क 1985 गड्ढे होने की चर्चा है। बदहाल सड़कों में जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद भी केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से यूपी में अमेरिका जैसी सड़कें बनाने का हसीन सपना दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसा है यूपी की सड़कों का हाल। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये यूपी के सीतापुर जिले की है, जो यूपी की राजधानी लखनऊ का पड़ोसी जिला भी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सड़क से डीएम की गाड़ी गुजर रही है और वहीं सड़क पर गड्ढे होने के कारण एक ई रिक्शा पलट जाता है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इस वीडियो को मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, प्रशासन की निकली सवारी, सड़क पर गड्ढे हैं भारी, जर्जर विकास की हालत है सारी, जिसमें गिरती है जनता बोझ की मारी। इस तरह से महज कुछ दिनों की बारिश ने यूपी में सड़कों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।